मंगल मंगल भगवान विष्णु, मंगल मंगल गौर ध्वज, मंगल मंगल पुण्यदीक्ष, मंगल मंगल मंगलाय गण हरि। आप तो 126 साल की उम्र में ऐसा लग रहा है कि जो दो चार साल पाँच साल के बच्चे होते हैं बड़े पवित्र हो जाते हैं। उम्र के साथ इंसान तो बड़ा थोड़ा सा भरता है, तो बालपन पूरा एकदम झलक रहा है, बच्चों जैसी भाव एकदम पवित्र वो भाव आ रहा है। सबका मंगल होगा, योगा करने से, योगा करने से सबका मंगल होगा, बाबा यही बोल रहे हैं। शांति मिलेगा और शांति मिलेगा, शांति ब्रेन ठंडा हो जाएगा, मेजाज कूल लाइफ ब्यूटीफुल। बाबा बोलते हैं मेजाज कूल तो लाइफ ब्यूटीफुल। मेजाज अगर कूल नहीं है तो देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन हम वो इनवाइट करते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि हम मेजाज टेंपर लूज करते हैं। तो मेजाज को हमेशा कूल रहना चाहिए, मेजाज कूल रहेगा तो लाइफ ब्यूटीफुल रहेगा। मन गुस्सा नहीं होगा, और मन कभी गुस्सा नहीं करने का है, और बाबा को कभी गुस्सा नहीं आता है। तो एक बार बाबा को मैं पूछा था, बाबा ऐसा क्यों है? बाबा हमेशा मेरे को समझाया कि देखो मैं भिखारी का संतान है, मेरे को तो 4 साल तक मेरे को मालूम ही नहीं था कि क्या होता है, तो गुस्सा किस बात का है, मेरे को कभी गुस्सा नहीं होता है, जो मिलता है मैं खा लेता हूँ। कभी कहीं पे गया खाने में लेट हुआ तो बाबा कभी कॉम्प्लेन नहीं करते, बोलते नहीं कि मेरा सेवा अभी लेके आओ। तो हम मेजा स्कूल तो लाइफ ब्यूटीफुल। आपका नाम जो है खुद ही नाम शिवा आनंद, तो ये किसने किसने रखा आनंद भरा है शिव में? हमारा माँ, आपकी माँ ने, माता जी शिवू, शिवू शिवू से हो गया शिवानंद। अभी परिवार में कौन कौन है? अभी परिवार में कोई नहीं है, बाबा का परिवार में सब बाबा बाल ब्रह्मचारी है। और बाबा जब 6 साल थे तभी आपको बताया, उनका माता पिता गुजर गए और बहन भी गुजर गए। देखिए बेगर सन बाय बर्थ इज मदर फादर लिव बाय आस्किंग आर्म्स वाई हैंडेड ओवर टू मॉम अंकल गोस्वामी एट द एज ऑफ 4, सिस्टर डाइड विदाउट 4, मदर डाइड बिफोर सनराइज, फादर डाइड आफ्टर सनराइज एंड सेम डे व्हेन बाबा वाज 6 इयर्स ओल्ड, देयर डेड बॉडी बर्न इन सेम फ्यूनरल पायर। बाबा अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यूनरल सेरेमनी एंड स्टार्टेड लिविंग इन हर्मिटेज ऑफ विद गुरुजी, लाइफ डेडिकेटेड फॉर द पुअर पीपल। बाबा शिवानंद यूनिक लाइफ इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यूनिक लाइफ, नो डिजायर फॉर एनी कैंड मटेरियल ऑब्जेक्ट, नो आयोटा ऑफ डिजायर कोई डिजायर नहीं। हाँ, तो मन में कभी नहीं गुस्सा होगा, नो एंगर, कभी किसी के लिए नो एंगर। अगर कोई गुस्सा भी करता होगा, कोई गलत करता होगा, तो उसके लिए आप क्या? नहीं, हमारे मन में गुस्सा नहीं होता। बोलो, बाबा का मन में कोई गुस्सा नहीं होता है, गुस्सा नहीं, आई एम साइलेंट। जी, आपसे मिलकर तो जो गुस्से में भी होंगे उनका मन शांत हो जाता है, शांत सब हो जाते हैं। कभी नहीं मैंने एंगर। तो अभी 126 साल, अभी कितना और साल आप चाहते हैं कि योग के? ईश्वर गुरु कृपा ही केवल, गुरु इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गॉड्स एंड गॉडेसेस, वेरी पावरफुल डायनामिक पावर इन गुरु। गुरु इज अ पावर, गुरु इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गॉड्स एंड गॉडेसेस। और बाबा का ऐसा सोचना है, गुरु और भगवान अगर पास में है तो पहले गुरु को प्रणाम करके फिर भगवान को प्रणाम करने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होता है, क्योंकि गुरु का स्थान सबसे ऊपर है, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु इज बेटर देन गॉड, आई एम द फर्स्ट पर्सन अटैच दिस वर्ड। ये बाबा का कंसेप्शन है, एंड बाबा पहला पर्सन है ये दुनिया में, विश्व में, ये बोलने के लिए कि गुरु इज ग्रेटर देन गॉड। नोबडी से नोबडी नोज, नोबडी नोज इन दिस वर्ल्ड, देयर आर वेरी लर्नड पर्सन दैट नॉट नो गुरु इज पावरफुल देन गॉड, गुरु इज ग्रेटर देन गॉड। ये कहा गया ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु, आपने गोविंद जी को बताया, वो एक फील है। नाम तो की तुलसीदास, गुरु इज पावरफुल, मोस्ट पावरफुल।
तो आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं आपसे आशीर्वाद भी लूँगा, और भारत की तस्वीर के भी दर्शकों तक मैं आपका संदेश देना चाहता हूँ किस तरीके से अपने जीवन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी विचारधाराएं मन में आती हैं, तामसी मन होता है, हमारे डिज़ायर्स होते हैं, हम जो कि बहुत कल्पनाएँ करते हैं, लेकिन किस तरीके से अपने जीवन को सात्विक करके, योग करके अपने शरीर मन दोनों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ।